रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। सहराए थर में गूंजने वाला ये गीत उन तमाम दिलों की तर्जुमानी करता है जो चाहते हैं कि महबूब सिर्फ एक बार जाते जाते मुड़कर भी देखे। शायद कोई एहसास उनका रास्ता रोक ले, शायद कोई मोहब्बत उन परदेसियों को वापस पलटने पर मजबूर करे, लेकिन इस दुनिया से जाने वाले को बुलाना मुमकिन नहीं। इसी तरह आसमान की वसतों में गुम हवालदार मोहम्मद अमीन भी अब कभी पलट नहीं सकता। मौत जुल्म नहीं, अटल हकीकत है, मगर बेमौत मारने वाले जालिम जरूर हैं। कि नीम के दरख्त के नीचे खड़ी ये लड़की बेचारगी के आलम में उन रास्तों को तकती है कि शायद कहा सुना सब झूठ हो और जाने वाला अपने मासूम बच्चों के लिए ही पलट कर आ जाए। अच्छा आदमी था जी, कोई उसकी जो है ना पाड़े से बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है ना अलाउंस में वक्त गुजार रहा था, बिल्कुल हर किसी प्यार मोहब्बत करता था। लेकिन जो आदमी यहाँ से रास्ते बाहर रहते गांव में, हर जो कहाँ भी गांव में जो बंदे बंदे जो है ना बेचारे कोई गिरे हुए थे, उसको देखने के लिए बिल्कुल तैयार था और गरीब लोगों के लिए बिल्कुल अच्छा था, लेकिन हम भाइयों के लिए बिल्कुल मददगार बंदा था। जिल में जो हमारे ख्याल है वो कभी भी जिंदगी भर तक अमीन का जो है नहीं भर सकते। बिल्कुल हम प्यार मोहब्बत से वक्त गुजार रहे थे, हम दोनों भाई जो है गाड़ी में इकट्ठे चलते थे, अच्छे तरीके से गांव में शादी में चक्कर दोनों भाई हम इकट्ठे घूमते थे, और भी उधर भी मैं घूम के आया हूँ भाई के साथ, बहुत इलाका मैंने भी भाई के साथ अटेंड किया। इस रेतीली सरजमीन पर बुनियादी सहूलतें भी रेत की मानिंद हाथ से फिसलती चली जाती हैं। दुश्वार गुजार राहों से गुजर कर ये लोग अपने लिए जिंदगी का सामान करते हैं। वतन से शदीद मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इनकी जिंदगी छीनने का इख्तियार किसी को नहीं। बूढ़ी आंखों में ठहरे आंसू जाने वाले का नोहा पड़ते हैं। रोटी चावल कपड़े वगैरह वही लाकर दिया करता था और मुझे यहाँ कोई नहीं देता। बहुत प्यार करता था, बहुत ही याद आता है, बल्कि इसकी इंतहा नहीं। मोहम्मद अमीन के सहारे जिंदगी गुजर रही थी, अब उसके जाने के बाद नींद भी नहीं आती। ऐसा प्यार था मेरा मेरे भतीजे के साथ। अब मुझे बहुत दुख बहुत तकलीफ होती है। मेरे बेटे को वो कांधों पर उठाकर गांव की सैर कराता था, मुझसे फोन पर हर वक्त बात करता था। बस फोन पर ही बातचीत होती थी। अब मेरे ख्वाब में ही फोन पर बात करता सुनाई देता है। शहीद मोहम्मद अमीन बहुत अच्छा लड़का था, शरीफ था, गांव वालों के साथ, बिरादर के साथ, घर वालों के साथ बहुत परहेजगार, नमाजी, मुत्तकी, ड्यूटी का पाबंद, और फौज में जाने के लिए पहले से बचपन से इसको शौक था। जी हाँ, जिस टाइम गया था तो उमर से भी मिला था, बोला मैं वापसी में जल्दी आऊँगा, फिर जो है कुछ घरू मामले थे आपस में बैठ के हल करेंगे। मेरा भाई बहुत मुझे तो प्यार करते है, मेरे गाँव से आते है और फिरते हैं घूमते हैं और मुझे वो प्यार करते हैं। मैं छोटा होता हूँ स्कूल पे जाता हूँ, मुझे को स्कूल पे जाता हूँ, मुझे को अमीन कह रहे हैं तो आप स्कूल जाओ, मैं आपका पूरा खर्च भरूँगा, ठीक है, आपकी पढ़ाई के लिए पढ़ने के लिए दिल लगाओ, मैं आपको सारा खर्च दूँगा। हाँ, 2 साल हो गया है मेरा भाई शहीद हुआ है, मुझे अच्छा लगता था, खेलते थे और गाँव में आते थे, प्यार मोहब्बत करते थे, वो मुझे को याद आती है। उमरकोट पहुँचते थे, कहते थे मैं आ रहा हूँ, मैं खुश होता हूँ, मैं भी इधर तैयार होता हूँ, मैं जाता हूँ रोड के लिए जाता हूँ, मेरा भाई आता है। दो फरवरी सन 2013 की वो सियाह रात कौन भूल सकता है,
जब शिद्दत पसंदों ने हमला करके एक वतन दोस्त इंसान की जिंदगी छीन ली। दो फरवरी सन 2013 जब जुम्मे और हफ्ते की रात को तकरीबन 3:45 पर 25 से 30 शिद्दत पसंदों ने जब एरिगेशन कॉलोनी में कायम आरजी फौजी कैंप पर चारों तरफ से हमला कर दिया। सराय नौरंग लकी मरवत में दहशतगर्दों के इस हमले में 13 एहलकार शहीद और 8 जख्मी हो गए। जवाबी कार्रवाई में खुदकुश हमला आवरों समेत 12 शिद्दत पसंद मारे गए। जराए के मुताबिक दहशतगर्दों ने पहले एक जोरदार धमाका किया और इसके बाद भारी हथियारों से फायरिंग और रॉकेट दागने शुरू कर दिए, जिससे इलाका धमाकों से गूंज उठा। हमले में पाक फौज के 9 और फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 4 एहलकार शहीद और 8 जख्मी हो गए, जिन्हें पिशावर के फौजी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। दुनिया में काफ़ी जगहों पर बड़े मतलब जो हम कहते हैं डेवलप्ड कंट्रीज हैं, फ्रांस हो, USA हो, उन्होंने वो सारी चीज़ें देखी हुई हैं, की हुई हैं, उनको समझ भी आ रहे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, उनमें बड़े प्रोफाइल हैं। लेकिन अगेन वो भी एक दहशतगर्दी में उसमें इन्वॉल्व में जो डेटा आ रहा है, अपने आप को उड़ाना नॉट अ जोक। इवन आप तस्वर करें तो हम कांप जाते हैं ना, ये तो मामूली बात नहीं है। अब उनकी जो तरबियत होती है, उनको जो ख्वाब दिखाए जाते हैं, उनको जो एक कोई तो लालच है ना, इतनी हसीन दुनिया को, इतनी सारी रंगीन होने के बावजूद उसके अपने रिश्तेदार, उसके माँ बहन, उसके बहन भाई, उसके मतलब चाहने वाले, वो भी किसी को चाहते होंगे। बड़ी यूथ एज में जो है वो इस तरह से अपने आप को उड़ाते हैं और किसी के घर का जो है वो चमन को वो गुल कर रहे हैं। तो अब उन एक्टर को समझना और फैक्टर तक पहुँचना और उसको जड़ों से उखाड़ना एक प्रोसेस चाहिए, एक पूरा, जिस तरह से ये आया है ना, एक दिन में नहीं आया, तो इस तरह से ख़त्म भी एक दिन में नहीं होगा। और ये नहीं है कि मैंने अपने घर की दीवार ऊंची कर ली, मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैंने 10 गार्ड रख लिए, मैं कोई ब्यूरोक्रेट हूँ, मैंने कोई मतलब 2 गाड़ियाँ आगे पीछे पुलिस ले लिया स्क्वाड, नो नॉट एट ऑल, ये होगा नहीं। ये हम लोगों को पता नहीं होता, जो 10 घर जो हम लोगों को उधर जो है ना काट देंगे या मार देंगे। आखिरी बार मुझे कहा था कि मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, वापस आऊंगा। दूसरा ये ना समझे कि आग तो कहीं और लगी हुई है, मैं यहाँ बैठ के कुछ सुकून से नींद करूंगा, आग वो वहाँ पहुंचेगी, देर सवेर आएगी। अमीन शहीद अच्छा आदमी था, कपड़े वगैरह लाता था, जाहिर है घर पर की जिम्मेदारी उन पर थी। वो याद तो आता है ना, आखिरी बार मुझे कहा था कि मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, वापस आऊँगा। फिर उसके जाने के बाद एक फौजी ने बताया कि अमीन शहीद हो गया है। जितना सामान हुआ करता था घर का वो ला कर दिया करता था, पेट की खातिर तो सब कुछ करना पड़ता है। हर शख्स को इस दुनिया में अपनी पड़ी होती है, हमें भी अपनी पड़ी है, बहुत तकलीफ होती है। अब मैं ही अपने 3 बच्चों के लिए रोटी वगैरह का, हाँ अलबत्ता मैंने अपने भाई से कहा है कि अगर तुम मेरा ये अधूरा घर बना कर दे सकते हो तो बना दो। शहीद हवालदार मोहम्मद अमीन का ये घराना आज सोगवान है। ये लोग दानिश्वर नहीं, मगर अपने प्यारे की याद में चंद जुमलों को तरतीब देना कोई बड़ा फन भी नहीं। लफ्जों में ढलते यादों के चिराग दिल से निकलकर दिल को रोशन करते हैं। वो रोजगार के खातर हम चला जाते हैं, ये को हम लोगों को पता नहीं होता है जे हम यहाँ से जाते हैं उधर ड्यूटी करते हैं, फिर ये बच्चों के लिए रोजगार के लिए जाते उधर, ये हम लोगों को पता नहीं होता जो 10 घर जो हम लोगों को उधर जो है ना काट देंगे या मार देंगे, इतना तो पता ही नहीं होता है ना। तो हम बोल रहे हैं जा रहे हैं बस, आपने मुल्क की खातर, आपने मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, हमारा मुल्क पाक वतन है, उसके लिए बिल्कुल हम लोग जो है ना, हमारा भाई एक भी शहीद हो गया है, हम खुद हम भी मुजाहिद हैं, हम यही बोलते हैं अगर ये मेरी ड्यूटी उधर लग गई तो मैं जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, इस वतन की खातर जान कुर्बान करने के लिए मैं भी तैयार हूँ। अगर दहशतगर्दी को रोकने के लिए किए हुकूमत अपनी कोशिश करे रुक जाए, कोई गरीब बंदा ऐसा जो है ना शहीद होते जाते हैं किसी घर की, बिल्कुल जो है ना वीरान बन जाता है,
उससे बचाएं तो बिल्कुल ठीक है। अभी जो जैसे हम लोगों के घर पे है तो हम तो बिल्कुल बहुत उसके लिए तो रात वो दिन तड़प रहे हैं ना। यहाँ के बासी दहशतगर्दी के लफ्ज से भी वाकिफ नहीं। प्यार मोहब्बत और अमन के दरमियान रहने वाले मोहम्मद अमीन ने जब वतन की खातिर कुर्बानी देने का इरादा किया तो कई मील का सफर भी किया। वतन को गैर मुस्तहकम करने वाले जालिम दहशतगर्द इसी ताक में थे जिन्होंने धमाके और फायरिंग करके मोहम्मद अमीन के साथ वतन के कई खिदमतगारों को खाक व खून में नहला दिया। तो इनका कौन सा मजहब है? कोई इनका मजहब नहीं। ये इंसान नहीं है, जानवर से भी बदतर है। जो मुसलमान को मुसलमान मारता है, जो मुसलमान नहीं है ये जानवर से बदतर है। 2 फरवरी 2013 उनके भाई, छोटा भाई है बशीर, उन्होंने बताया कि फौजी शहीद हो गया। शाम को 7 बजे का टाइम था, तब हमें फ़ोन आया। तब हमारे गांव में तो बस उस टाइम जब फ़ोन आया तो क़यामत हो गई थी। ये सारे रास्ते वीरान हो गए, बिल्कुल वीरान। बहुत दुख और बहुत तकलीफ है। हाँ, हमें तकलीफ होती है। हम अपने शहीद को अब कहाँ से लाएं, कहाँ देखें मोहम्मद अमीन को? बस अल्लाह से दुआ है उसे जन्नत नसीब हो। जब गांव आता तो हम मिल बैठकर बातचीत करते। मुझसे बात किए बगैर वो सोता नहीं था। मेरा एक ही बेटा है और मैं टांगों से लाचार हूँ। वो मुझे कहता, पुप्पी तुम उसके बारे में फिक्रमंद ना होना। उमरकोट से तकरीबन 75 किलोमीटर के फासले पर वाकई इस गांव को वसन जी वेरी कहा जाता है। वेरी मकामी जबान में कुएं को कहते हैं। इस गांव की वजह शोहरत कुछ भी हो मगर शहीद मोहम्मद अमीन ने इसे यादगार बना दिया। खास तौर पर इस इलाके को फख्र होता है तब जब दूर दराज इलाकों में हमारे पूरे पाकिस्तान लेवल पर हमारे जो नौजवान मुल्क को डिफेंड कर रहे हैं, डिफेंड करते हुए वो जाम शहादत पीते हैं और जब उनकी डेड बॉडीज यहाँ इलाके में लाई जाती हैं तो जाहिर है कई माओं के लख्त जिगर उनसे बिछड़ चुके होते हैं। तकलीफ होती है उन्हें, कई जो बीवियाँ होती हैं वो अपने जो सुहाग होता है उसे खो बैठती हैं, कई बहनें अपने भाई खो बैठती हैं और कई ऐसे भाई होते हैं जो अपने बड़े भाई को खो बैठते हैं। लेकिन अफसोस होने के साथ साथ ज़्यादा तौर पर हम लोगों को खुशी होती है कि हमारे इस एरिया के नौजवान जो मुल्क को डिफेंड कर रहे थे आज उन्होंने उस मुल्क के दिफा के अंदर उसी सिलसिले के अंदर जाम शहादत नोश किया है और जब उनकी डेड बॉडीज़ हमारे कब्रिस्तानों में लाई जाती हैं तो गोया कि हमारे जो लोग हैं यहाँ के वो एक फ़ख्र महसूस करते हैं कि आज उनके कब्रिस्तान में एक शहीद जो अपने वतन के दिफा करते हुए शहीद हुआ है उसकी डेड बॉडी लाई जा रही है। लक्की मरवत और कहां सहराए थर का ये दूर उफ्तादा गांव शहीद मोहम्मद अमीन के जज्बे ने जैसे उसे उड़ा कर यहां पहुंचाया। आखिर इन शिद्दत पसंदों के अजाइम क्या हैं? वो क्यों मारते हैं? ये जालिम दहशतगर्द हर सोच से आरी हैं। सोचता तो इंसान है, जानवरों से किस अकलमंदी की तवक्को? एक तबका भी कर सकता है, एक प्रोफेशनल लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, फर्क ला सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्योंकि इशू इतना बड़ा हो चुका है, अब उसको निमटने के लिए, उसका सदबाब के लिए, उसको मिटिगेट करने के लिए उतनी बड़ी एफर्ट चाहिए और वो ज़्यादा असर दिखाएंगी, ज़्यादा बेहतरी होगी जो क्या जिसमें हम कहते हैं जिसमें जिम्मेवारी ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे एक रिलीजियस स्कॉलर का एक जो है जुमला एक रिलीजियस लीडर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ता है। ताकत के बदले ताकत, गोली के बदले गोली, इतने लोग मार दो, हम समझते हैं कि उसके बजाय कुछ और अल्टरनेटिव्स भी होने चाहिए। मिसाल के तौर पे किसी भी इलाके का पीस एंड टूरिज्म ख़राब हो रहा है तो उसकी तो हम मिसाल ऐसे लेते हैं सोशोलॉजिस्ट कि आग एक घर में लग चुकी है,
अब दूसरा ये ना समझे कि आग तो कहीं और लगी हुई है, मैं यहाँ बैठ के कुछ सुकून से नींद करूँगा, आग वो वहाँ पहुँचेगी, देर सवेर आएगी। सराय नौरंग लक्की मरवत में शहीद होने वाले हवालदार मोहम्मद अमीन की अजमत, जुर्रत और बहादुरी को हम सलाम पेश करते हैं। ईंट गारे और मिट्टी से बने घर वीरान हो जाएं तो लोगों की मौजूदगी उसे आबाद रखती है, मगर जब दिल वीरान हो जाएं तो दिल की वीरानियों और वहशतों का मदावा कौन करे।